आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं तेलंगाना स्टार न्यूज। राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी बहुजन लेफ्ट फ्रंट के उम्मीदवार जी राघवेंद्र स्वामी गौड़ ने भारी रैली के साथ आकर अपना नॉमिनेशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर को दिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बहुजन लेफ्ट पार्टी के साथ राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम है और इस बार एक नए उम्मीदवार को यहाँ की आवाम जिताएगी। मेरा नाम जी राघवेंद्र स्वामी गौड़ बहुजन लेफ्ट पार्टी। आज इधर आरटीओ ऑफिस का ने बहुजन लेफ्ट पार्टी के तरफ से नॉमिनेशन डाले। इस बार पूरे पार्टियों को हरा कर भारी मेजॉरिटी से हमने जीतता बोल के सब बोल रहे, पूरे पब्लिक हमको सपोर्ट करने को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू। पूरा यूथ भी सपोर्ट करना बोल के पूछ रहा, मेरा रिक्वेस्ट भी है यूथ के लिए। आज मैं भारी रैली निकाला, रैली में भी बहुत यूथ सपोर्ट किया मेरे को, इसलिए वो लोगों को भी धन्यवाद। बोले तो पूरा पब्लिक के ऊपर है, अच्छा होना बोले तो जिताना, नहीं तो ऐसी कैसे रहे ऐसे रहना बोले तो उसका मर्जी है। वो कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 महीने से सर्वे कर रहे, प्रॉब्लम भी मेरे कहने है, पूरे सर्वे करके पब्लिक को भी मैं बोल रहा हूँ आपका प्रॉब्लम क्या है और पूरों को सॉल्व करता बोल के मैं काम भी नहीं दे रहा, इसलिए मैं भारी मेजॉरिटी से विनोदा बोल के आपको भी बोल दे कंपलसरी ये राजेंद्र कॉन्स्टिट्यूंसी को चेंज करना, पब्लिक को भी बहुत काम अच्छा करेगा।